मित्रों, क्या आपने कभी सपने में अपने किसी प्रियजन या फिर किसी परिचित व्यक्ति की मृत्यु देखी है? किसी भी व्यक्ति के लिए किसी अपने को सपने में भी खोना काफी दर्दनाक अनुभव होता है। इसीलिए ऐसे सपने आने पर लोग डर जाते हैं और इन सपनों के तरह तरह के अर्थ निकालने लगते हैं। कुछ महानुभव तो पंडित पुरोहितों के पास भी पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर ये सब करने के बावजूद भी यदि आप संतुष्ट नहीं हुए हैं और ऐसे सपनों का अर्थ अब तक समझ नहीं पाए हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में से एक स्वप्न शास्त्र में ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। इसीलिए अगर आप भी ऐसे स्वप्न क्यों आते हैं जानना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, प्राय हम सभी किसी न किसी समय अपने परिजनों की मृत्यु का स्वप्न देखा करते हैं और स्वप्न शास्त्र में तो इस प्रकार के स्वप्न की स्पष्ट आलोचना भी की गई है। इस शास्त्र में ये बताया गया है कि ऐसे स्वप्नों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला, ऐसे सपने जिनमें माता पिता या फिर अन्य किसी आत्मीय की मृत्यु हुई हो, किंतु किसी दुर्घटना से स्वप्न दृष्टा अर्थात सपना देखने वाले के मन में बिल्कुल भी शोक का संचार न हुआ हो। और दूसरा, जिस सपने में आत्मीय वियोग का स्वप्न देखकर मन में शोक और घबराहट का उदय हुआ हो, यहाँ तक कि जगने पर भी थोड़ी देर तक मन खराब रहा हो, ऐसे सपने दूसरी श्रेणी में आते हैं। मित्रों, वास्तव में प्रथम श्रेणी के स्वप्न में कोई मृत्यु इच्छा नहीं होती। व्यक्ति विशेष की सुने तो ऐसे सपनों के तरह तरह के अर्थ हो सकते हैं, किंतु स्वप्न शास्त्र में इसे एक बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ समझाया गया है। एक स्त्री ने स्वप्न देखा कि उसकी बहन का लड़का मर गया है और उसे शवाधार पर लिटाया गया है, लेकिन स्वप्न में किसी प्रकार के दुख का भाव नहीं है। विश्लेषण करने पर देखा गया कि कुछ दिन पहले उसी बहन का अन्य एक बालक मर गया था। तब घर पर बहुत से रिश्तेदार इकट्ठा हुए थे, उन्हीं सब में सपना देखने वाली का प्रेमी भी मौजूद था और इस घटना के काफी दिनों बाद तक उसकी अपने प्रेमी के साथ मुलाकात नहीं हो पाई। उसे अपने प्रेमी से मिलने का मौका मृत्यु के अवसर पर ही मिला था, इसीलिए फिर किसी की मृत्यु होने पर प्रेमी से मिलने का अवसर मिलेगा, बस इसी इच्छा उसके इस स्वप्न में प्रकाशित हुई। अंततः परिणाम स्वरूप स्वप्न का उद्देश्य ये निकाला गया कि इसका मकसद बालक की मृत्यु नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी प्रेमी से मिलने की लालसा थी। इसमें बताया गया है कि मृत्यु का स्वप्न देखने पर डरने से पहले ये जान लें कि जिस मृत्यु के स्वप्न में दुख का भाव समाहित हो, उसी के मूल में मृत्यु कामना विद्यमान हो सकती है। मृत्यु कामना से हमारा तात्पर्य आपके मन में मौजूद किसी की मृत्यु की इच्छा से है। जैसे कि कई बार हमें माँ बाप के बदले में दूसरे बड़े बूढ़ों की मृत्यु का स्वप्न भी आता है, लेकिन देखा जाए तो अधिकांश स्थलों पर इस तरह से मृत्यु देखने का मतलब स्वप्न दृष्टा के भीतर नहीं उसके माँ बाप की मृत्यु कामना होती है। उदाहरण के तौर पर, एक लड़का अपनी माँ के प्यार का अधिकारी होने के कारण पिता से ईर्ष्या का भाव रखने लगता है, जिसके चलते उसे अपनी पिता की मृत्यु के स्वप्न आना स्वाभाविक है। ठीक उसी प्रकार लड़कियों के साथ भी ऐसा ही है, वो भी अपनी माँ से ईर्ष्या की भावना रखती है, चाहकर ना सही पर अनचाहे से ही ईर्ष्या की भावना रखती है और इस तरह वो अपनी माँ की मृत्यु का स्वप्न देखती है। हाँ, संभव है कि आपको ऐसा लगे कि किस प्रकार किसी एक प्रतीक को सभी एक विशेष अर्थ दे देते हैं, और ये सत्य भी है, इसका कोई प्रमाणिक उत्तर नहीं दिया जा सकता। लेकिन हाँ, संभव है कि आपको ऐसा लगे कि किसी भी एक प्रतीक को सभी एक विशेष अर्थ दे देते हैं, और ये सत्य भी है कि इसका कोई प्रमाणिक उत्तर नहीं है और इन सभी प्रतीकों की एक मनगढ़ंत व्याख्या ही की गई है। लेकिन स्वप्न शास्त्र की माने तो ये पहले ही कहा जा चुका है कि स्वप्न में अनेक वस्तु सीधे साधे रूप में ना दिखकर प्रतीकों के रूप में दिखती हैं और इन संकेतों का अर्थ निकालना एक टेढ़ी खीर है। लेकिन फिर भी भाषा तत्व और पुराण आदि की व्याख्या करके इन प्रतीकों का अर्थ निर्धारित किया जाता है, इसीलिए केवल प्रतीक का ही अर्थ जानकर स्वप्न की व्याख्या करना एक प्रमाणिक उत्तर नहीं माना जा सकता। और मित्रों, इस प्रकार के स्वप्न में आने वाले प्रत्येक अशुभ प्रतीक का विवरण करने पर उसका अर्थ और इसके पीछे छिपा कोई और उद्देश्य भी हो सकता है, और असल में इसके पीछे का उद्देश्य छिपा ही रहता है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको किसी अपने का स्वप्न में मृत देखना
किस प्रकार के संकेत देता है इसकी संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और Facebook पर देखने वाले सभी दर्शक लाइक करें हमारा Facebook पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।